चैनल मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज शेयर करने आई हूं जो कि इस लॉकडाउन उस कोरोना काल में आपका वेट एक्सट्रीम लॉस करेगा, साथ ही साथ आप आराम से भर पेट सब्जी रोटी खाओ, नो दिक्कत। क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं सबका यही कहना होता है, सुगम हमें हमारी रोटी सब्जी बिल्कुल भी मत हटाइएगा हमारी डाइट प्लान से, या हमारी ये चीज बिल्कुल भी मत हटाइएगा डाइट प्लान से। तो नंबर वन उनका यही कहना होता है कि सुगम प्लीज करके रोटी मत हटाइएगा। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज शेयर करने वाली हूँ उसमें आप भर पेट जितना मन जो है वो रोटी सब्जी खाओ। सब्जियों की वैरायटी मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी लेनी है, और साथ ही साथ हो सकेगा तो एक रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कि कैसे आपको लेना है। बहुत ही अम्मी लगता है वेट, आप देख सकते हैं इस समय मैंने जो है अपना वेट काफी लॉस किया है, और मैं बोलूं तो मैंने इस चीज से ही लॉस किया है। और इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा है, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है, और मैं बोलूँ तो वेट लॉस करने की जो इसमें पावर है वो बहुत ज़्यादा है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। हाय गाइस, तो जस्ट मैं अभी अपना जो है लंच रेडी करने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी चीज़ें शेयर करूँ। और जैसा कि मैं आप लोग के साथ आज बता रही थी कि मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगी जिससे कि आप जो है काफ़ी अच्छा अपना वेट रिड्यूस करोगे। जैसा मैंने बोला कि रोटियां भी खा के और सारी चीज़ें भी खा के आप वेट रिड्यूस करोगे, तो दिस इज़ द पार्सल्स जो कि आ गए हैं, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ये चीज़ ख़त्म हो चुकी थी और सिर्फ इतना ही स्टॉक मेरे पास बचा था जो कि इनफ नहीं था मेरे लिए, तो ये ऑलरेडी मैंने मंगवा लिया है। तो चलिए बताती हूँ क्या करना है, कैसे लेना है, और जैसा मैंने बोला कौन कौन सी वेजिटेबल्स आप ले सकते हो। तो ये प्योर आप देख सकते हैं ग्लूटेन फ्री है, जिसे कि हम लोग अपनी लैंग्वेज में रामदाना बोलते हैं, यानी हमारी यूपी साइड में इसको रामदाना बोलते हैं। और जो भी चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, वेट वॉचर के लिए बहुत अच्छा है, रेडी टू ईट है, मतलब जैसे कि आपको ऐसा नहीं है कि घर में इसे बनाना है, ये घर में बना हुआ मतलब प्योर बना हुआ आया है, आप इसे खा सकते हैं। मैं पर्सनली कैसे लेती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, ऑलरेडी मेरे पास इतना स्टॉक था तो मुझे ये मंगाना पड़ा। तो कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो जो आपको पैकेट में मिलेगा वो इस तरह के पैकेट्स में मिलेगा, और ये दो पैकेट्स हैं, तो ये दो पैकेट्स आपको लेना है। मैं आपको अगर ग्राम्स बताऊँ तो 200 ग्राम्स यानी 400 ग्राम। और साथ ही में हमें इसमें ऐड करना है एक ओट्स का पैकेट, और ये नॉर्मल ओट्स हैं, रोल्ड ओट्स हैं, नॉर्मल वाले, मतलब नो फ्लेवर, तो फ्लेवर्ड आप मत ही लीजिएगा तभी वो रोटी में अच्छा लगेगा। ये 1 kg का है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आपके घर के पास कोई ऐसा है जो पीस दे, वरना मैं नॉर्मली इन सारी चीज़ों को अभी इसमें मैं ये भी ऐड करूँगी, तो मिक्सी में पीस लूँगी। बहुत अच्छा सा डो रेडी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचो ये अच्छा डो नहीं रेडी होता, बहुत अच्छा सा डो रेडी होता है। डो रेडी करिए, रोटियां बनाइए, बिल्कुल नॉर्मल रोटी बनेंगी और बहुत ही सॉफ्ट रोटियां बनेंगी। साथ ही साथ दोपहर में मतलब लंच में आप इसकी 2 रोटियां और भिंडी सैलड लाइक आप भिंडी लीजिए, प्याज टमाटर डालते हो डालिए, वरना उसको ऑलिव ऑयल में 1 बाउल आप भिंडी लीजिए, 2 रोटीज ये लीजिए, एक दिन का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डे आप शिमला मिर्च लो, 2 रोटीज लो, थर्ड आप पनीर भुर्जी लो, ये 2 रोटीज लो। इस तरह से करके ग्रीन वेजेस विद प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ अगर आप इसके चिल्ला बना सकते हैं, या फिर ब्रेड जो आप मैंने आपको बताया था कि आप ब्रेड किस तरह बनाओ वो उसमें आप ऐड कर सकते हो बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के, तो वेट मैनेज करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इनकेस अगर आप व्रत रहते हो तो व्रत में आप ये मत लो, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस लो, मतलब ये दोनों मिला के अच्छे से पीस लो, आप इसका पूरी और पराठा खा सकते हो। वेट वॉचर बहुत अच्छा है, मैं नॉर्मली अपनी डाइट में यही ऐड करती हूँ, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। आप नॉर्मल इसको जैसे जस्ट लाइक हम लोग जो नॉर्मल दूध के साथ खाते हैं वो ले सकते हैं, दही के साथ खा सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और ये जो मुझे है 160 का पड़ा है 200 ग्राम्स, लेकिन हाँ कुछ सस्ता पड़ा है, आई थिंक ऑफर में था, तो देख लीजिएगा। इस तरह से आप करके अपना वेट जो है बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी, आज जस्ट मैंने आप लोग के साथ एक आइडिया बताया है कि इस तरह से चीज़ें आप अपने घर में स्टोर करिए। देखिए अगर चीज़ें स्टोर रहेंगी तो आपको वेट मैनेज करने में बहुत आसानी होगी, इन चीज़ें ही नहीं होंगी घर में तो आप नॉर्मल उठी चावल पे जाओगे, नॉर्मल रोटी पे जाओगे, तो किस तरह से आप खुद सोचो किस तरह से वेट मैनेज करोगे। तो ये चीज़ें अपने घर में रखिए,
बहुत आसान हो जाएगा आपको वेट कम करने में। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको भूखा रहना है, नहीं, खा के आपको वजन कम करना है। फ्रेंड्स देखो, ये सब्जी रोटी खा के, मतलब वैरायटी मैंने दी है आपको, इसमें मैंने आपको सब्जियां बताई हैं कि आप कौन कौन सी चीज़ों को खा के इतना एक्सट्रीम वेट लॉस कर सकते हो। आपने मेरा देखा होगा, मेरे लास्ट दिसंबर के, आप मतलब लास्ट इस 10 मई जून के वीडियो देखो या फिर लास्ट दिसंबर के वीडियोस देखो, मैं थोड़ी हेल्दी थी तो, लेकिन हाँ मैंने कुछ लाइफस्टाइल चेंज किए अपने, बहुत सारी चीज़ें चेंज की जिसके रीजन से आज मैं काफ़ी स्लिम हूँ और डे बाय डे मैं स्लिम होती जा रही हूँ। सेकंड चीज़, अपने आप को मेंटेन कर पा रही हूँ, वरना क्या होता है कि मैं वेट लॉस तो कर लेती हूँ लेकिन मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। तो वीडियो जरा सभी अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।